हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। और ये आपके लिए और दोस्तों एक नया नॉलेज पैक लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मैं कई सारे नॉलेज पैक लेकर आता हूँ और आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं कई सारे वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ। तो ये एक छोटा सा नॉलेज पैक है आपके लिए और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो नॉलेज पैक जो छोटा सा लेकर आता हूँ तो इसमें आपका जो है वो 100% आपका आपको मिले। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम को, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूँ मैं। और दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से दोस्तों, कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 2 अप्रैल 1935, 3 अप्रैल 1935 या 4 अप्रैल 1935? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। ये डेट भी ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ, किसकी वर्तमान, तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय को दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका दोस्तों? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ये मुंबई में कब हुआ था दोस्तों? 1937 में हुआ था मुंबई में। ठीक है ना, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि कम समय में, मात्र 2 या 3 मिनट में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो करंट गवर्नर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC JEE में और RRB में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, शक्तिकांत दास इज अ करेक्ट गवर्नर ऑफ RBI। इन्होंने जो था वो दिसंबर 2018 में इन्होंने अपना पदभार संभाला था। ठीक है ना, अच्छा, उर्जित आर पटेल जो थे वो इनसे पहले थे। ठीक है, अरविंद सक्सेना की अगर मैं बात करूं, अरविंद सक्सेना जी, तो अरविंद सक्सेना जी यूपीएससी के करंट चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना जी। ठीक है ना, और जो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादातर थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, आइए, इस मेरी छोटी सी वीडियो में ओनली 4-5 क्वेश्चंस होते हैं बस। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सोच समझ के दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? आई होप आपने क्वेश्चन सही लगा दिया होगा। बहुत से बच्चे CD देशमुख लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों CD देशमुख गलत आंसर है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई इंडिया इंडियन नहीं पूछा है कि इंडियन अध्यक्ष कौन था, इंडियन गवर्नर कौन था इसके। मैंने पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, तो वो ब्रिटिशर्स थे। सबसे पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 में। कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है ना, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि फर्स्ट इंडियन इसके गवर्नर कौन थे, तो वो CD देशमुख। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुंबई से पहले कहाँ पर मुख्यालय था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। और 1937 में दोस्तों कहाँ हो गया? मुंबई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन दूसरी वीडियो का आ जाए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम समय में ज़्यादा नॉलेज लेना। ठीक है ना, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आगे हमारी वीडियो अगली वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।